Hello dear students, now today we have started a new chapter, chapter number 4, class 10, SST ke andar beta economic subject ke andar, theek hai? And what is the name of the chapter is Globalization and Indian Economy. You know, look this pictures, yahan pe beta aapko, ye aapki book ka picture hai, Globalization and the Indian Economy. Alag alag pictures mein kuch pictures hain beta, theek hai? First mein ek lady hai beta. सेकेंड में प्लांटेशन हो रहा है और ये एक पर्सन काम कर रहा है. सेकेंड में, थर्ड में शिप्स हैं. फोर्थ में बेटा एक शॉप का है जहाँ पे सेल लगा हुआ है. और एक फिफ्थ में क्यूआर कोड का एक पिक्चर है. नाउ दैट इज़ द पिक्चर्स ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, ये इंडिया है और ये ग्लोब है बेटा, वर्ल्ड है. ठीक है, तो बेसिकली हम ग्लोबलाइजेशन से क्या मीनिंग निकालते हैं. ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे बेटा कि ये पूरा जो अर्थ है, पूरा वर्ल्ड है, इसमें जहाँ पे भी ह्यूमंस रहते हैं, हम लोग रहते हैं, ये 7 कॉन्टिनेंट हैं. ठीक है, और यहाँ पे येलो कलर में इंडिया को शो अप कर रखा है. बिकॉज यू नो, हमें इंडिया के कॉन्सेप्ट में इस चैप्टर को लेना है. तो अब आप यहाँ पे देखेंगे बेटा कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह पे हम हमारे कम्युनिकेशन से या इंडिया एक दूसरे से यू नो कनेक्टेड है. ठीक है, अब हम यू नो इंटरनेट से कनेक्टेड हो सकते हैं, ऑनलाइन कनेक्टेड हो सकते हैं, इंटरनेट यू नो मेल कर सकते हैं, उनको फैक्स कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, ई बिजनेस कर सकते हैं, फॉरेन मार्केट में, देन दैट मीन्स कि जो विदेशों में जो बाज़ार हैं, दूसरी कंट्रीज़ में जो बाज़ार है बेटा, वहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. तो आप देखेंगे कि ये जो पूरा वर्ल्ड है आपको एक तरह से कनेक्टेड लगता है. ठीक है, आप एक दूसरे से कभी भी कनेक्ट हो सकते हैं. वीडियो कॉल्स के अकॉर्डिंग आप उनसे वीडियो कॉल, वीडियो चैट्स कर सकते हैं. तो जो डिस्टेंस है, ठीक है, फिजिकली डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बट हमने उनको यू नो बिहेवियर या यू नो अपने जब बिजनेस टर्म में हमने उनको बहुत पास ले लिया है. ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर्स को. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, सो ग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है बेटा जिसमें रैपिड इंटीग्रेशन होता है और इंटर कनेक्शन होता है. किस में होता है इंटर कनेक्शन और इंटरग्रेशन? बिटवीन द कंट्रीज, मोर देन टू कंट्रीज़ के बीच में जब प्रोसेस होता है, एक इंटीग्रेशन होता है, इंटर कनेक्शन होता है उनके बीच में, वो एक्सचेंज करते हैं अपने गुड्स को, अपनी सर्विसेज को, वी नोन एज द ग्लोबलाइजेशन. अभी कि MNCs का फुल फॉर्म होता है मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस और मल्टी नेशनल कंपनीज. ठीक है, तो ये क्या करेंगे, देयर आर द प्लेइंग द मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस. मोर एंड मोर गुड्स इन द सर्विस, अभी क्या होंगे बेटा, अधिक से अधिक गुड्स और सर्विस को कनेक्ट करेंगे, एक दूसरे से शेयर करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे. इन्वेस्टमेंट होता है पार्टिकुलरली किसी फ्यूचर बेनिफिट के लिए, फ्यूचर रिटर्न्स के लिए कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट कर रहे हैं एज अ फॉर्म ऑफ द मनी. एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन द कंट्रीज. ठीक है, सो डेट इज़ द डेफिनेशंस. ये आपकी बुक में पेज नंबर 62 से ली गई है बेटा. नाउ द ग्लोबलाइजेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं आप और ये भी लिख सकते हैं बेटा, दोनों ही ग्लोबलाइजेशन को शो अप करती है. सो द रैपिड प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट्स. ठीक है, अब देखो मार्केट्स के अंदर जो इंटीग्रेशन होता है रैपिडली जो होता है, एंड द प्रोडक्शन इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन. और जो प्रोडक्शन होता है वी नोन हैज ग्लोबलाइजेशन. नाउ अब इस ग्लोबलाइजेशन होगा क्या बेटा, फिजिकली गुड्स, ठीक है, सर्विस, इंफॉर्मेशंस एंड टेक्नोलॉजी. गुड्स का मतलब है यहाँ पे बेटा वस्तुएं. ठीक है, जो भी चीज़ हम यूटिलाइज करते हैं वो सब गुड्स में आते हैं. सर्विसेज, सर्विसेज यू नो कि जो चीज़ विदेश में बनी है बेटा वो आपके हाथ में आ रही है. ठीक है, माइक्रोफोन लीजिए आप, स्मार्टफोन लीजिए. तो एक तरह से क्या है कि बड़े रिटेलर से, छोटे रिटेलर से आपकी शॉपकीपर तक ये चीज़ें आ रही है, तो वो हमें क्या कर रहा है, एक सर्विस प्रोवाइड करा रहा है. इंफॉर्मेशन, सूचना बेटा, हमें किसी भी चीज़ के बारे में, हमें कोई भी गुड्स परचेज करना है तो हम उसका सूचना ले सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन मीडिया से लो, न्यूज़ से लें, इंटरनेट से लें, आप कहीं से भी उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. और टेक्नोलॉजी, यू नो आज एडवांस टेक्नोलॉजी है, नई नई तकनीकें आ रही है, उनके बारे में भी. सो देयर आर द पीपल्स आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इज द ग्लोबल इंटरकनेक्शंस एंड द मूवमेंट. तो इसलिए बेटा पीपल्स जो हो गया वो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हो गया. ठीक है, सो दैट इज द बेसिक इंफॉर्मेशंस और द डेफिनेशंस द ग्लोबलाइजेशन. नाउ
Next point is the factors enabling the globalization. What is the main factors? So first factor is technology. ठीक है, rapid improvement in the technology, बहुत तेजी से बेटा इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं किसमें, टेक्नोलॉजी में, लाइक ट्रांसपोर्टेशन एंड एडवांस प्रोडक्शन हैज अलाउड फास्ट इंटीग्रेशन ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन एंड द मार्केट. अब देखिए पहले के समय में क्या हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने में बहुत टाइम लगता था, बट यू नो टूडेज आप देखेंगे कि मीडियम ऑफ द ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा हो गए. ठीक है ना, आप एयरवेज को लें, आप वाटर वेज को लें, आप ईजिली बेटा जो डिस्टेंस है उसको बहुत फास्टली कनेक्टेड कर सकते हैं, उस तक रीच कर सकते हैं. और इसके अलावा बेटा जो प्रोडक्शन है, यू नो वी हैव यूज द मॉडर्नाइजेशन, यू नो मॉडर्न मशीन्स को हम यूज़ करते हैं, मशीनरी सिस्टम को यूज़ करते हैं, सो उससे हमारे प्रोडक्शन का लेवल भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है. नाउ इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार तकनीकी. बेटा देखो इन्फॉर्मेशन होता है सूचना और कम्युनिकेशन होता है संचार, जिससे हम देखिए फैक्स को यूज़ करते हैं, इंटरनेट को यूज़ करते हैं, मोबाइल्स को यूज़ करते हैं, लेटर्स को यूज़ करते हैं, टेलीग्राम को यूज़ करते हैं, ये सब क्या है आपके कम्युनिकेशन के पार्ट हैं बेटा. ठीक है, हैज प्ले द मेजर रोल, किसमें मेजर रोल कर रहे हैं बेटा, मेकिंग द पॉसिबल ऑफ ग्लोबलाइजेशन. अब ये जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है इसको पॉसिबल करने के लिए, उसको और ईजियर करने के लिए देयर इज़ द मेजर सोर्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसको शॉर्ट में बेटा IT भी कहते हैं. ठीक है, एंड एडवांसमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशंस फैसिलिटी और द इंटरनेट रिवोल्यूशंस. ठीक है, इंटरनेट में तो बहुत ज़्यादा यू नो आप देखेंगे 5G स्पीड तक का हम यूज़ करते हैं बेटा. ठीक है, तो बड़ी बड़ी फाइल्स, बड़े बड़े डेटा उसको हम ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं. एज मेड इट द ईजियर टू रिमोटली मोनिटर एंड द कंट्रोल प्रोडक्ट्स अक्रॉस द ग्लोब. एडवांस कंप्यूटर फैसिलिटीज़, अब देखिए अब हमारे पास बेटा सुपर कंप्यूटर तक हम यूज़ करते हैं, तो जो डेटा होता है, जो इन्फॉर्मेशंस होता है, वो हम ईजिली शेयर कर सकते हैं हमारे बिजनेस पार्टनर से, दूसरी कंट्री से, जहाँ से भी हमें यू नो लेना है, गुड्स को डील करना है, एक्सपोर्ट करना है, इम्पोर्ट करना है, वी हैव नो कि हमारे पास अब ऐसे कंप्यूटर्स हैं कि हम उसे ईजिली हमारे शेयर मार्केट में आप देखेंगे, कॉल सेंटर्स में आप देखेंगे कि बड़े बड़े कंप्यूटर्स यू नो सुपर फास्ट कंप्यूटर देयर विल बी द यूजेस. ठीक है, हैव इनेबल टू ऑटो मोशंस एंड प्रिसाइज कंट्रोलिंग द प्रोडक्शंस मेकिंग पॉसिबल यूनिफॉर्मिटी. अब यू नो काउंट करना किसी भी प्रोडक्शन को या उसका यू नो यूनिफॉर्म होना, एक लेवलिंग पे होना, वो सब कुछ हम इजीली मशीनरी सिस्टम से, कंप्यूटर सिस्टम से, यू नो आप सब देखोगे कि मशीनरी सिस्टम से सारा काम होता, जो ह्यूमन या हैंडीक्राफ्ट का जो वर्क होता था या जो वर्कर्स के द्वारा होता था बाय हैंड, वो बहुत कम हो गया. और सारा काम किससे, पैकिंग आप देखेंगे एक इक्वल आपको पैकिंग लगता है किसी भी यू नो आप कोई भी प्रोडक्ट का देखते हैं तो सारा इक्वल सा पैकिंग लगता है कि यस कि इसको इतना इक्वली कैसे हो सकता है. सो ये सब कंप्यूटर बेस्ड होता है. ठीक है, मशीनरी बेस्ड होता है. द IT रिवोल्यूशन इन इंडिया वॉज द मेड द पॉसिबल बाय दिस एडवांस. अब इसको किसने पॉसिबल किया, यू नो जो आपके इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में जो रिवोल्यूशन हुए, जो चेंज हुए, जो नए नए इन्वेंशन हुए, देयर विल बी द पॉसिबल विच अलाउ टू द पॉसिबिलिटीज टू लोकेटिंग द वर्कर्स एट द डिफरेंट लोकेशन. अब हम क्या कर सकते हैं कि सपोज करें आपके 10-12 जगह फॉर्म्स चल रहे हैं या फैक्ट्रीज चल रही है, तो आप एक प्लेस पे बैठ के कंप्यूटर से, कैमराज कंप्यूटर से या मोबाइल से लाइव उनको देख सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनको मॉनिटरिंग कर सकते हैं. ठीक है, एंड येट इंटीग्रेटिंग देम टू द वर्चुअल वर्कशॉप्स. और आप वर्चुअल वर्कशॉप्स भी, जैसे आपकी वर्चुअल क्लासेस होती है ना अभी ऑनलाइन टाइम में, यू नो कोरोना पेंडेमिक में तो हम वर्चुअली पढ़ाते हैं, ऐसे ही हम वर्चुअली अपने यू नो फैक्ट्रीज़ को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, CCTV कैमराज के अकॉर्डिंग हम उनको न्यू हम इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं. तो ये सब क्या है बेटा, आपके IT सेक्टर्स में होने वाली रिवोल्यूशनरीज हैं, होने वाले डेवलपमेंट्स हैं. ठीक है, सो इनफ इन द थैंक यू दिस वीडियो, वी हैव कंटिन्यू अवर दिस चैप्टर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.